नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं यूपी के महादेव से विधायक रवि सोनकर जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रवि जी, इस वक्त भी जहां कोरोना महामारी के समय आप लोगों की मदद या फिर किस तरह से सरकार की जो सहायता है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, उसके लिए सभी जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे अपने क्षेत्र के लोगों तक सरकारी योजनाओं की मदद पहुंचे और कैसे लोगों तक संदेश सरकार का पहुंचे, गाइडलाइन का पालन हो, ये कैसे आप सुनिश्चित कर रहे हैं, सबसे पहले इसके बारे में बताएं। इस तरीके से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए एक बृहद योजना बनाई है। उसमें हम सारे जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक के रूप में हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष हैं, सबकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दी है कि आपको इस समय जो बूथ का हमारा कार्यकर्ता है वो बूथ के जिम्मेदारी संभाले, जो हमारे सेक्टर का कार्यकर्ता वो सेक्टर की जिम्मेदारी संभाले, और जो हमारा मंडल अध्यक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी में एक पद होता है मंडल में मंडल अध्यक्ष का, वो अपने मंडल की जिम्मेदारी संभाले और मैं विधायक के रूप में अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी संभालू। सबकी जिम्मेदारी तय है। मैं अपनी विधानसभा के प्रति जो शुरू में हमें गाइडलाइन प्राप्त हुआ कि आपको पहले लॉकडाउन में आपको अन्न, तेल, आटा, मोमबत्ती, साबुन, सरफ, इस तरह की चीजें लोगों तक प्रोवाइड कराना है। उसको हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारा सेक्टर है बना है, हमारा मंडल बना है, उस मंडल तक हम लोगों ने अपने जो हमें वेतन के रूप में पैसा मिलता था, एक महीने का तनख्वाह, तो हमने अपना कोविड में दान दे दिया। लेकिन इसके बाद जो हमें स्वयंसेवी संस्थाओं से, मित्रों के माध्यम से और परिवार से जो हमें सहयोग मिला, उसका हमने 100% लगभग 2 महीना हम अपने हर मंडलों में एक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के पास, जिस तरीके से उनको अनाज की किसी को जरूरत थी तो मैंने हम उनको अनाज उपलब्ध कराए, जिस तरीके से किसी को अगर मान लीजिए किसी को पैसे की आवश्यकता है तो हम लोगों ने उसको पैसे भी उपलब्ध कराए, और जो हमारे श्रमिक भाई बहन लखनऊ के अतिरिक्त, हमारे प्रदेश के अतिरिक्त दिल्ली में, बम्बई में, गुजरात में, तेलंगाना में, इधर इन जगहों पर फंसे हुए थे, वो लोग लगातार हम लोगों को फेसबुक के माध्यम से और अन्य जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़े थे, तो वो लोग लगातार मांग कर रहे थे कि भाई अगर हमारे खाते में इस समय हमारी जो ये दैविक आपदा आई, अगर आप हमें 1,500 रुपए या 2,000 रुपए की मदद आप पहुंचा पाइए, तो उसमें हम लोग प्रयास करते थे जिस भी, अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति फंसे हैं तो हम लोग 500 रुपया, 2-4 व्यक्ति फंसे हैं तो 1,000 रुपया, और उससे बड़े अगर 4 से ज्यादा व्यक्ति फंसे हैं तो हम लोग 2,000 रुपया अपने खाते के रूप में उस पर ट्रांसफर करते थे। तो इस तरीके से हम लोग अपने लोगों से जुड़े रहे और जो मदद उस समय की आवश्यकता थी उसको हम लोगों ने पूरा किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का नंबर आता है। हमारी सरकार ने यह तय किया कि जो फल के व्यवसायी हैं, सब्जी के व्यवसायी हैं, रेवड़ी खमचा के व्यवसायी हैं, उनके खाते में सीधे 1,000 रुपया ट्रांसफर किया गया। फिर इसके बाद जो श्रमिक भाई बहन आए उनको सबको क्वारंटीन करके उनको भोजन की व्यवस्था कराई गई और सारे लोगों को एक किट जिलाधिकारी के माध्यम से, SDM के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से और लेखपाल के माध्यम से, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जुड़े रहे, इनके माध्यम से उन लोगों को किट भी उपलब्ध कराई गई। तो एक बहुत सकारात्मक सोच था जिससे हम लोग कोरोना से लड़ पा रहे हैं, और इसमें बहुत कुछ आप लोगों के माध्यम से भी बहुत सारी सूचनाएं हम लोगों के पास आ जाती हैं, इसके पता चलता है कि यहां इस चीज की जरूरत है, तो हम लोग उस पर पूरा प्रयास करते हैं कि ये चीजें वहां तक पहुंच पाए जी। रवि जी, आपकी विधानसभा क्षेत्र के बारे में जरा, जो कोरोना का संक्रमण है वो कितना है इसके बारे में भी बताइए, कितने केसेस हैं, क्या स्थिति है अभी अस्पतालों में, क्या उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं? नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी जो मेरा विधानसभा है वो बस्ती ग्रामीण के नाम से है, कहा जा सकता है, नाम तो उसका महादेवा विधानसभा है, लेकिन वो बस्ती शहर का जो हिस्सा है, बस्ती शहर को छोड़ दीजिए तो बस्ती ग्रामीण के भाग को जोड़ता है। हमारी विधानसभा में जब पहली बार लॉकडाउन हुआ उस समय एक भी केस नहीं थे, दूसरी बार जब लॉकडाउन हुआ उस समय भी कोई केस नहीं था, लेकिन अभी जो हमारे श्रमिक भाई बहन आए हैं उसमें से कुछ गाय घाट एक जगह है वहां पे 2 पॉजिटिव केस मिले हैं, तो उन लोगों का उनको क्वारंटीन किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी एक खबर है कि हमारे यहाँ जो एक PSC है जिसको हम कुदराह के नाम से जानते हैं, वहाँ डॉक्टर फैज एक है, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उनको L1 में शिफ्ट किया गया है, इससे उनकी टेस्टिंग भी की जा रही है। तो एक अच्छा यहाँ व्यवस्था जो सरकार ने दी है और यहाँ पे जो हमारे जिलाधिकारी हैं और जो उनकी टीम है बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप देखी होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में बस्ती लगातार ये कोड किया जा रहा है कि बस्ती में केसेज बढ़ेंगे
और अगर हम टेस्टिंग इसलिए चाहते हैं कि टेस्टिंग प्रचुर मात्रा में हो, बृहद पैमाने पर हो, जितने केस हमारे पास आएंगे हम उनका इलाज अच्छे से कर पाएंगे, ये केस कहीं विस्फोट का रूप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के बारे में एक बात लगातार कही जा रही है कि बचाव ही उपचार है। तो अगर हमें समय रहते इसकी जानकारी मिल जाएगी तो निश्चित आप मानिए कि जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। और रवि सोनकर जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और अब ये अभियान चलाया जा रहा है कि घर घर टेस्टिंग की जाएगी, यानी कि लोगों के घर जाकर उनके सैंपल लिए जाएंगे, टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लक्षण सिम्टम्स दिखते नहीं है लेकिन उनके अंदर वायरस मौजूद है, तो किस तरह से ये अभियान आपके क्षेत्र में चलेगा, उसके लिए क्या प्रबंध है? नहीं, जैसे अभी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की सुविधा प्राप्त है, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में टूनेट जो मशीन है वो बस्ती से ही उसका उन्होंने उद्घाटन किया है, तो बस्ती में वो सुविधा प्राप्त हो गई है कि कोरोना टेस्टिंग 2 घंटे में उसकी रिपोर्ट भी मिल जा रही है। तो पहली टूनेट मशीन का उद्घाटन हमारे जिले से हुआ है जो बस्ती मंडल मुख्यालय है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पे आए और पहला दौड़ा उन्होंने बस्ती का ही किया और वो दौड़ा बहुत उपयोगी रहा बस्ती जिले के लिए। अब कोरोना टेस्टिंग यहीं पे हो जा रहा है, सुविधाएं बहुत उच्च क्वालिटी की थी, जैसे अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन आप देख रही हैं, उनके मुकाबले पे जब हम बात करेंगे तो थोड़ा हमारी सुविधाएं उस स्तर की नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि मौत का जो आंकड़ा है, जो मृत्यु का आंकड़ा है, वो हमारे देश में कम है, क्योंकि इसके दो बड़े कारण है। एक तो आप ये कह सकती हैं कि हमारे यहाँ हमारी जो इम्यूनिटी है वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपनी माटी से जुड़े रहे हैं और उस इम्यूनिटी के कारण भी हम लोग लड़ रहे हैं, और जो हमारी सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का, उस संदेश जन जन तक पहुंच रहा है और लोगों को लगता है कि ये जो भारत के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये निश्चित ये उपयोगी और लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, तो इस कारण से जागरूकता जो जमीन तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही है और लोग जागरूकता में उस चीजों का अनुपालन भी सुनिश्चित हो पा रहा है। मैं यही आपसे जानना चाहती हूं कि आप कैसे जब जाते हैं रूरल इलाकों में जब जाते हैं तो कैसे उन्हें समझाते हैं कि जब भी आप बाहर निकलें या फिर अपने काम के लिए भी जाएं या अन्य किसी कार्य से जाएं तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों को साफ करें, तो कैसे आप उन्हें ये समझा पा रहे हैं और लोग भी इसका पालन कर रहे हैं? नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि जब दूसरी बार लॉकडाउन हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए और अपने टीवी के कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने एक बार कहा कि हर व्यक्ति को आवश्यकता है कि आप मास्क लगाएं, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप रुमाल है, आप गमछा है, कुछ भी है तो उससे आप अपने मुंह को हमेशा ढके रहें। निश्चित है अगर आप मुंह को ढके हैं तो ये बीमारी है वो आप तक नहीं पाएगी, क्योंकि आप जब बाजार में अपने दैनिक कार्यों में जाएंगे तो उस समय आपको संक्रमित होने की संभावना बहुत बनी रहेगी। इन चीजों को भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा और समझ पालन करने की कड़ी में मैं बता सकता हूं कि अब जैसे हम लोग भी जाते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी जाते हैं, तो सबसे वो चर्चा करते हैं और चर्चा की कड़ी में वो लोगों को बताते हैं कि देखिए यह जो बचाव के बारे में हम WHO कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इसको हमें अपने जीवन के हर पहलू में इसको ढालने की आवश्यकता है। जैसे आप निकले हुए हैं तो अगर आप अपने घर पे जा रहे हैं, आपके आपकी बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं या छोटे बच्चे हैं तो आप घर के बाहर रुक के पहले आप अपने कपड़े को निकालिए और उसको बाहर छोड़ दीजिए, स्नान कर लीजिए, स्नान करने के बाद फिर आप कपड़े पहन के फिर आप घरों में प्रवेश करिए, तो निश्चित इससे संक्रमण की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इन सारी चीजों के प्रति हम लोग लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों में हम लोग जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं और मैं स्वयं भी कई कार्यक्रम किया हूँ, मास्क, सैनिटाइजर वितरण का, ये सब हम लोगों का अभी लगातार अनुरोध चल रहा है। अभी पार्टी ने 10 से लेकर 15 तक मास्क और सैनिटाइजर वितरण का कार्यक्रम रखा था, उसके बाद फिर इसको बढ़ा दिया कि ये 10 से लेकर 20 तक ये कार्यक्रम चलेगा और हम लोग प्रचुर मात्रा में अपने हर कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ तक हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया है। इससे भी लोग जागरूक हो रहे, नहीं ये हमारी आवश्यकता है, इसको अब हमें अपने साथ लेके चलना है, मास्क और सैनिटाइजर, तो इससे भी एक चीजें निकल के आ रही हैं, अच्छा वातावरण भी बन रहा है। अगर प्रवासी जो मजदूर हैं वो कितने प्रतिशत आए हैं आपके क्षेत्र में, उनकी क्या संख्या है और उनके रोजगार के लिए, उनकी आर्थिक मदद के लिए क्या प्रबंध है? उनकी संख्या तो हमारे जिले में लगभग 2 लाख के करीब है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो इन आंकड़ों को उन्होंने कोट किया था,
कि जो लगभग 2 लाख लोग आए हैं उनको हम सबको रोजगार से जोड़ेंगे, कुछ को तो हम मनरेगा के माध्यम से जोड़ेंगे, कुछ हम और भी बहुत सारे काम है। और अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत, अभी पूरे भारत वर्ष में श्रमिक आयोग का कहीं गठन नहीं हुआ, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने श्रमिक आयोग का गठन किया है, जिसमें जो व्यक्ति जिसकी कोई प्लम्बर है, कोई आपका मान के चलिए रेफ्रिजरेटर का मिस्त्री है, कोई आपका बढ़ई है, कोई कुम्हार है, कोई विदेश में गया है, तो सारे रोजगार को वो ऑनलाइन एक पोर्टल बना रहे हैं। उस पोर्टल पे आपके नाम के साथ आपका आपकी जो ये है आपकी कुशलता है, जो आपके आपके अंदर एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वो एक लाइन बना रहे हैं। तो अगर आप किसी प्रदेश में किसी को आवश्यकता है मान लीजिए प्लम्बर की, तो हमारी उस वेबसाइट पे श्रमिक आयोग की वेबसाइट है उस पे वो जाएगा और कहेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार से वो मांग करेगा कि हमें आप 100 श्रमिक हमें आप इस लाइन के दे दीजिए, तो उस पे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार एक मोल भाव करेगी कि आपको हम इस रेट पे देंगे। तो इससे एक अच्छा एक माहौल बनेगा और उनको भी एक हमारे पास भी एक आंकड़ा हो जाएगा कि भाई हमारे श्रमिक यहाँ इन इन चीजों पे काम कर रहे हैं। जब कभी ऐसी दैविक आपदा आएगी तो उनकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे रहेगी और इनको वो सुविधाएं भी प्राप्त हो जाएंगी, जैसे बीमा की सुविधा हो जाए, अगर वहां इनके साथ कोई हादसा होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। बहुत सारी चीज है जिसपे हम काम कर सकते हैं। और रवि सोनकर जी, इस बीच जो ये समस्या है और ये जो दिक्कत इस वक्त पूरे देश भर में है, ऐसे में एक जो बड़ा सहारा मदद का है वो जनप्रतिनिधि भी हैं लोगों के लिए, तो आप कैसे अपना पूरा दिन इन लोगों के बीच बिताते हैं, आपका क्या शेड्यूल रहता है और आप अपना भी ख्याल कैसे रखते हैं, खुद को संक्रमण से कैसे बचा रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा विषय है। हमारी बुजुर्ग माँ है, वो लगातार इस बात का प्रयास करती है कि मेरा बेटा बाहर जा रहा है कहीं संक्रमित होके ना आ जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है और वो चिंतित रहती है। पहले जब हम निकलते थे घर से तो फोन नहीं आता था, लेकिन अभी माँ हमारी लगातार 2-3 बार फोन करती है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा समय से आ जाना, घर पे जाके भी हम लोग को आसान। लेकिन इससे बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे मैं उस माँ का तो बेटा हूँ, लेकिन जिस जनता ने हमें यहाँ इस पद पे पहुंचाया है उसके प्रति हमारी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं उनका आइडियल हूँ और वो उन्होंने ये तय किया है कि आप हमारे प्रतिनिधि हो, आप हमारे दुख में हमारे साथ रहोगे। तो ये जो दुख की घड़ी है उसमें मैं सुबह अपने घर से निकलता हूँ 10 बजे, तो मैं अपने कार्यालय पे आता हूँ, कार्यालय पे मैं लगभग 2 घंटा पहले बैठता हूँ, जो के लोग आते हैं मैं उनकी समस्याओं का निस्तारण करता हूँ, फिर इसके बाद फिर मैं अपने ब्लॉक पे और जो हमारे सेक्टर के और जो कार्यक्रम भी बहुत सारे लगे रहते हैं, लोगों को कहीं हम लोगों को सैनिटाइजर बांटना है, मास्क बांटना है, या कोई बीमार है उसको देखने जाना है, या कहीं छत में कोई हादसा हो गया है, जैसे किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई बिजली गिरने से या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो हम लोग उन जगहों पे जाते हैं और उन लोगों को हम लोग उन लोगों की हम मदद करते हैं। तो ये एक बड़ा विषय है जी। अंत में रवि जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि महादेवा की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश उन्हें देना चाहते हैं इस संकट की घड़ी में? जी, नहीं, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है बातों को समझने की, और जो भी गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपको दी जा रही है उसका आप पालन करें और बचाव ही उपचार है जी। शुक्रिया रवि सोनकर जी, जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक, तो ये थे यूपी के महादेवा से विधायक रवि सोनकर जी। इसी तरह की और भी बातचीत आप जनप्रतिनिधियों की देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।